हरेक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर, ये अधिकार हमने इनको दिया है। कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। मित्रों, 10 साल में हमने कई सारे रिफॉर्म किए हैं और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, 10 साल पहले मैं जब यूपी का इंचार्ज था 2014 में, सोशल मीडिया की ही मीट इतनी बड़ी तो उस वक्त होती नहीं थी। आगरे में छोटा सा हॉल था, 300 सोशल मीडिया वॉलंटियर्स थे। सारे लोग कहते थे हमारे लिए फोन बड़ा महंगा पड़ता है और डेटा का रेट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सोशल मीडिया पर ज्यादा काम नहीं कर सकते। आज मैं आप सभी मेरे साइबर योद्धाओं को कहना चाहता हूं, आपके हाथ में आज मेक इन इंडिया का फोन है और सबसे सस्ते डाटा के साथ आप इंडिया की सक्सेस स्टोरी को दुनिया भर में पहुंचा रहे हो। ये डिजिटल क्रांति नरेंद्र मोदी जी ने लाई। मित्रों, आज तेलंगाना की जनता ने फैसला एक प्रकार से तीन पार्टियों के सामने भाजपा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी, टीआरएस और मजलिस। मगर मैं कहता हूं ये तीनों पार्टियों का एजेंडा एक ही है। मेरी बात ध्यान से सुनना, तीन पार्टियों के सामने तेलंगाना की जनता को भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को चुनना है। एक कांग्रेस पार्टी, दो टीआरएस, तीसरा मजलिस। परंतु पार्टी कहने को तीन है मगर एजेंडा एक ही है। एक कांग्रेस और टीआरएस मजलिस के एजेंडे पे चलते हैं, मजलिस का एजेंडा लागू करता है। मुझे भाई और बहनों बताओ, हैदराबाद स्थापना दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये मुस्लिम रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? जोर से बोलो, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? क्या कांग्रेस हटा सकती है? टीआरएस हटा सकती है? मजलिस हटाना चाहती है? ये तीनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, ये तीनों पार्टियां एक है। सिर्फ एजेंडे में नहीं, तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी चार पीढ़ी से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, यहां केसीआर और केटीआर, और यहां पर भी मजलिस में भी चार तो आ गए हैं, न जाने कितने आएंगे। ये सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। ये पार्टियां तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। ये पार्टियां एक ही एजेंडे पे चलती हैं। ये तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं और ये तीनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, अतः भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है। भाई और बहनों, अभी यहां पर कांग्रेस की सरकार है। मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री को कहने आया हूं, भैया जरा आपकी पार्टी के घोटाले को मैं लिस्ट देता हूं, तुम जरा तेलंगाना की जनता को जवाब देना। कांग्रेस पार्टी ने कॉल ब्लॉक का घोटाला किया, कॉमन वॉल्थ का किया, 2G का किया, शारदा चिटफंड का किया, हिमाचल की सेब की बिक्री का किया, INX मीडिया का किया, एयरसेल का किया, लैंड फॉर जॉब का घोटाला हुआ, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला हुआ, एम्ब्रायर डील का घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड का हुआ, सबमरीन का घोटाला हुआ, बॉफोर्स घोटाला हुआ, मारुति घोटाला हुआ। घोटाले की लिस्ट इतनी लंबी है, एक कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। और ये टीआरएस ने भी तेलुगु प्राइड के नाम से सत्ता पर आए और लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। मैं इनकी भ्रष्टाचार की लिस्ट मेरे पास है, मगर मैं बता